चलिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले सेशन में मैंने तकरीबन 10 क्वेश्चंस करा थे, आज मैं तकरीबन 15 क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ, ठीक है। और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही दिख रहा है कि 19वीं शताब्दी के दो महान सामाजिक धार्मिक सुधारक जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा प्रदान की वे कौन थे, ठीक है। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, एम जी रानाडे, डी के कर्वे या केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो दयानंद सरस्वती और विवेकानंद हो जाएंगे। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के लिए किसके कारण स्थगित कर दिया गया था, चौरी चौरा हत्याकांड, या फिर हिंदू मुस्लिम दंगे, या फिर महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, उनकी 6 साल की कैद, या उपरोक्त सभी। देखिए, चौरी चौरा कांड के समय 1920 में शुरू हुआ था आपका असहयोग आंदोलन, और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से इसको रोक दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, गोरखपुर से संबंधित है ये जो है कि कांड, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोचमपल्ली से शुरू किया गया था, तेलंगाना के गांव से, को किसके द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन, एम के गांधी, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, या फिर विनोबा भावे। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा, विनोबा भावे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है, पोचमपल्ली से 1951 में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण थी, देखिए दोबारा क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चौरी चौरा हत्याकांड, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा नेता उदारवादी नहीं था, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट मॉडरेट, दादा भाई नौरोजी आपके उदार नेता थे, आनंद चालू उदार नेता थे, मदन मोहन मालवीय उदार नेता थे, जो नहीं था वो कौन हो जाएंगे, विपिन चंद्र पाल, ध्यान रखिएगा, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, ये आपके लिस्ट मतलब मोस्टली यही नहीं को पूछा जाता है, तो ये एग्जिमिस्ट नेता थे, ध्यान रखिएगा, उदारवादी उग्रवादी थे, जो कि पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अरविंदो के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा थे, ये भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन पार्ट ऑफ द अरविंदो प्रोग्राम टू अचीव द इंडिपेंडेंस, गुप्त समाजों का संगठन, निष्क्रिय प्रतिरोध, संवैधानिक आंदोलन, या फिर आतंक। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की अवधि के दौरान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक तकनीक रूप से निष्क्रिय प्रतिरोधों का सिद्धांत का इस्तेमाल किया था, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैसिव रेजिस्टेंस, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निष्क्रिय प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1857 के विद्रोह में, विद्रोह से पहले सबसे पुराने सबसे प्रसिद्ध विद्रोह में से कौन सा था, नेट इन्फेंट्री विद्रोह था, या फिर वेलोर का भारतीय सैनिक विद्रोह था, या फिर सोलापुर, या फिर असम सैनिक विद्रोह। तो जो सही आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह से सबसे पहले सबसे पुराने प्रसिद्ध विद्रोह में से कौन सा था, वो हो जाएगा वेलोर का भारतीय सैनिक विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, आगरा, कानपुर, झांसी या लखनऊ, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर, ध्यान रखिएगा कौन सा जो है मुख्य केंद्र नहीं था ये पूछा गया, तो जाहिर सी बात है आगरा नहीं था, ठीक है। कानपुर से अगर पूछा जाएगा तो वो नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का आंसर आगरा। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नेताओं में से कौन नेपाल भागने में, यानी नेपाल चले गए, कौन सफल रहे भाई नेपाल जाने में, कुंवर सिंह हो जाएंगे, या फिर आपको अगर पूछा रहेगा नाना साहेब, अवध की बेगम, या बख्त खान। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके नाना साहेब और अवध की बेगम, यानी ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड विच इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। सबसे सबसे पहले तो एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा कौन जाने में सफल रहे, तो नाना साहेब, अगर दोनों लोगों को पूछा जाता है तो नाना साहेब और बेगम जो है कि अवध, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेगम अवध जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था लखनऊ से, नाना साहेब ने किया था आपका जो है कि कानपुर से, कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, और बख्त खान ने किया था दिल्ली से। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा की गई थी भाई 1913 में, तो मैडम भिकाजी खामा, या फिर लाला हरदयाल, श्यामा प्रसाद, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, या बोथ ए एंड बी। तो देखिए ये लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी, और इसके अगर पूछे जाएंगे कि पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे सोहन सिंह भकना, ध्यान रखिएगा एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह से जुड़े निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी नेता सही है, सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया आपको, हजरत महल कानपुर सही है, खान बहादुर खान बरेली सही है, कुंवर सिंह बिहार, खान बहादुर खान हजरत महल देखिए गलत है, कानपुर नहीं वो लखनऊ होगा, कानपुर से जो है नाना साहेब, बख्त खान दिल्ली सही है, तो यानी ऑप्शन इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए जो है मतलब कानपुर के लिए इनकरेक्ट है, लेकिन इसके लिए सही है।
गोविंद होड़ूपंत जिन्हें लोकप्रिय रूप से जाना जाता है नाना साहेब थे, और 1857 के विद्रोह में प्रमुख नेताओं में से एक दत्तक उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी कौन थे? पेशवा बाजीराव, झांसी के राजा माधवराव सिंधिया, या फिर मल्हार राव होलकर? तो जो सही आंसर हो जाएंगे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। आंदोलन की चिंगारी बंगाल के विभाजन का निर्णय था, स्वदेशी आंदोलन की चिंगारी बंगाल के विभाजन का निर्णय था, फ्रेंच, ब्रिटिश, डच या पुर्तगाल? तो जो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, वो ब्रिटिश हो जाएंगे, ध्यान रखिए। बंगाल का विभाजन 1905 में रोका कब गया था? 1911 में। 1857 के विद्रोह में तीव्रता नहीं आई थी, कहाँ से नहीं आई थी पूछा गया है? द 1857 रिवोल्ट डिड नॉट एक्वायर द मच इंटेंसिटी इन दिल्ली। आई थी भाई अवध, आया था भाई बॉम्बे, बॉम्बे नहीं आया था। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बॉम्बे, ठीक है, और चंबल क्षेत्र से भी आई थी। विद्रोह के समय दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले मुगल बादशाह का नाम बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। शाह आलम द्वितीय, या फिर जहांदर शाह, बहादुर शाह जफर, या हुमायूं? तो जो सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये कि प्रख्यात तमिल कवि सी सुब्रमण्यम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे? चरमपंथी, नॉन कॉरपोरेशन, सिविल डिसोबेडियंस, या फिर क्विट इंडिया? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्जेमेस दल से जुड़े हुए थे पोएट सी सुब्रमण्यम भारती। तो ये दोस्तों बाकी के क्वेश्चन थे, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको इस सेशन से कराऊंगा तकरीबन अगली बार 20 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूँगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि ये सारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है मैं अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ, अकेडमी पर मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप विमलेश यादव सर्च कर सकते हैं, या फिर विमलेश @14 कोड जो है अप्लाई करके एप्लीकेशन ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा फ्री क्लासेस के बाद इन फ्यूचर अगर आपको पेड क्लासेस भी लेनी तो सेम कोड यूज़ होगा, टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस के मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डॉट कंसेशन हो गया, लिमिटेड ई नोट्स हो गया, रेज हैंड का ऑप्शन हो गया, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन हो गया 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने के लिए। उसके अलावा रेलवे एग्जाम सब्सक्रिप्शन हो गए, ध्यान रखिएगा विमलेश @14 कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। उसके अलावा ऑल सेट हो जाते हैं आप एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।